ये काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू, सरचू से हम ले जाते हैं, उस रूट में कुल 4 पास थे, 4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। उसके अलावा 3 पास है। अब उन पास के जो स्नो क्लियरेंस एक्टिविटी को हमें टैकल करने में अब इसके बनने के बाद काफ़ी आसानी होगी, तो हमारे जो ये रोड है काफ़ी लंबे पीरियड तक हमको अवेलेबल होगी। अब कंपेटेटिव कुल मिला के 3200 करोड़ का खर्चा आया इस टनल को बनाने के लिए। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था और हमें एक्सपेक्टेशन था कि 2016 तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे, बट बीच में एक सेरी नाला का फॉल्ट जोन आया जिससे कि एक्सेसिव मड फ्लो, पानी का फ्लो हुआ उसमें, और उसको टैकल करने में हमको काफ़ी 3-4 साल लग गए, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा अभी उसमें डिले हुआ। बट उस ये बड़ी यूनिक तरह की प्रॉब्लम थी, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम एक काफ़ी यूनिक थी जिसको कि हमने सक्सेसफुली टैकल कर लिया और अब ये टनल पब्लिक को खोलने के लिए अब तैयार है। करीब 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 50 किलोमीटर की दूरी और टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि गाड़ियों को रोहतांग पास में चढ़ना पड़ता था फिर वहाँ से उतरना पड़ता था, तो काफ़ी टीडियस जर्नी होती थी, तो वो करीब 3 घंटे की जर्नी में करीब करीब उनका फ़ायदा हुआ टाइम वाइज, और लंबाई के हिसाब से 50 किलोमीटर का फायदा हुआ। अभी हमारा प्लान है कि सितंबर के लास्ट वीक तक जो है इसको देश के लिए समर्पित कर दें, आम आदमी के लिए इसको खोल दें, और ताकि इस विंटर में जो है उस क्षेत्र के लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।